माफिया मुहिम के खिलाफ बीजेपी के आंदोलन पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के 15 साल के शासनकाल में माफिया राज पनपा। जिस ट्रक के पीछे चौहान लिखा होता था उसे कोई नहीं रोकता था। देखिए खास रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई माफिया मुहिम के खिलाफ भाजपा प्रदेश भर में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रही है, जिसके जवाब में कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार में प्रदेश में माफिया राज पनपा है। शिवराज सिंह पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि जिस ट्रक के पीछे चौहान लिखा होता था उसे कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने का काम कमलनाथ सरकार कर रही है। पिछले 15 सालों में माफिया राज आया यहाँ पर, और उस माफिया राज को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो कदम उठाए हैं, वो कदम आप सबको मालूम है। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि जैसा इसमें भी फिल्म में भी बताया है, 11 प्रकार के माफिया पिछले 15 सालों में पनपे और जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को जकड़ लिया। जैसा आपने अभी देखा फिल्म में, ड्रग माफिया, भू माफिया, वसूली फिरौती माफिया, वसूली और फिरौती माफिया, शराब माफिया, मिलावट माफिया, चिटफंड माफिया, अवैध कॉलोनी माफिया, ब्लैकमेल माफिया, माइनिंग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और सहकारी माफिया, जिनके खिलाफ समूचे प्रदेश में व्यापक रूप से कार्रवाई की गई। अगर हम देखें जिसकी शुरुआत जीतू सोनी के जो अवैध काम थे, और अवैध काम में भू माफिया के रूप में पत्रकारिता को भी उन्होंने संसाध किया, जिस तरह से महिलाओं का को जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया, और जो कुछ भी वहाँ हुआ फिल्में भी हमने देखा है। ये सब ये 15 सालों की देन थी। और अगर हम बात करें रेत माफिया की, तो आप एक एग्जाम्पल देखिए कि 243 करोड़ का पूरा मध्य प्रदेश का रेवेन्यू आता था रेत का, 243 करोड़ जो पहले आता था, और जो अभी जो ऑक्शंस हुए हैं वो लगभग 1300 करोड़, लगभग 1300, इतना फर्क आया है। ये फिगर्स आपको दे दिए जाएंगे, और जितना पूरे मध्य प्रदेश का रेवेन्यू आता था उतना अकेले होशंगाबाद में रेत माफिया पे फाइन हुआ है उतना। तो ये अंदाज लगी कि कैसे चलता था, मतलब फ्री चले जा रहे हैं, बस जिस ट्रक पे लिखा हुआ है चौहान फ्री में जाएगा, कोई रोक कोई टोक नहीं, कोई गाड़ी में नंबर नहीं। ये इस तरह का रेत माफिया बन पाए। मंत्री शर्मा ने कहा पिछले 15 सालों में प्रदेश में माफिया राज आया था, जिसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कदम उठाए। पिछले 15 साल में भू माफिया, वसूली फिरौती, मिलावट, ब्लैकमेल, रेत माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, सहकारिता माफिया पनपे। प्रदेश में अलग अलग 1053 मामलों में माफिया पर कार्रवाई की गई है। हमने इसकी शुरुआत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से की थी। ये इस पूरे मामले में हम देखें 615 भू माफियाओं पर कार्रवाई हुई, 694 शराब माफिया पर, 150 मिलावट माफिया पर, 65 सहकारी माफिया पर, 149 वसूली माफिया तथा ट्रांसपोर्ट माफियाओं के 1053 वाहनों पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई की गई है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन पर कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भाजपा माफियाओं के सपोर्ट के लिए प्रदर्शन कर रही है। कमलनाथ जी के आदेश पर जो सरकार काम कर रही है केवल माफिया पे कर रही है। माफिया हमने गिनाया आपको 11 तरह के, इन माफिया पे पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई हो रही है। अभी बड़े शहरों में हुई है, छोटे शहर मांग कर रहे हैं कि छोटे शहरों में भी माफिया पर एक्शन हो।
इनको जेल भेजा जाए। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कोई राजनीतिक पार्टी बीजेपी माफिया के सपोर्ट में कलेक्टर्स का ऑफिस का घेराव कर रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि माफिया के सपोर्ट में कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ निंदनीय है। बोला ना मैंने, हिंदुस्तान के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी या कोई पार्टी पहली बार माफिया के सपोर्ट में, इसका मतलब ये माफिया सब इनके हैं, इनका मतलब ये है कि ये सब माफिया इनके हैं। कुल मिलाकर माफिया कार्रवाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस खुलकर आमने सामने हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।